तुम्हारी वजह से सिया और कियारा दोनों को चोट आई है। ऐसे ही मुझ पर नजर रखती रहो श्रद्धा। सिया का तो फेवरेट है पास्ता। वो फाइल फिर वापस इस घर में आ गई है। कहीं वो फिर से मेरे बच्चे को ले जाने तो नहीं आई है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से रोशनी नहीं चाहिए कियारा दी, इससे हो जाएगा ना? अरे एकदम पक्का होगा, देखना अभी चिल्लाएंगी। ये तुम्हारी शैतानी है ना? सिर्फ कियारा नहीं, सिया, गलत बात है ये। नहीं नहीं, बच्चों को मत डांटिए। क्यों? इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा मजाक किया है, तुम्हें इन्हें डांटने का मन नहीं कर रहा? बच्चों के साथ रहते रहते इनकी शैतानियों की आदत पड़ जाती है, पर इन्हें डांट के नहीं प्यार से समझाते हैं। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, इसमें बहुत सब्र चाहिए, पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, इनकी शैतानियां संभाल लूंगी मैं। देखिए, हमारे बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपको चोट तो नहीं आई? मैं फर्स्ट एड ले आता हूँ। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। कियारा चलो। सिया, मजाक करने का बहुत शौक है ना? अब मैं बनाती हूँ तुम बच्चों का मजाक। बहुत मजाक उड़ा ना गंदी आंटी का। हाँ देखो, मैंने कहा था ना उल्फ आएगा। क्या रदी, हम भी होमवर्क कर लेते हैं, वरना अगर मिस ने नोटिस भेजा ना तो पनिशमेंट पक्की। क्या हुआ बच्चों, आप लोगों की चीखने की आवाज आई? वो गद्दे पे कुछ चुभा जोर से। हाँ मौसी, कुछ बहुत तेज कांटे जैसा चुभा। कुछ भी तो नहीं है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, इसमें बहुत सब्र चाहिए। बहुत हो गया, अब उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की? देखो, तुम्हारी वजह से सिया और कियारा दोनों को चोट आई है, और मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। मेरा? तो कैसी बातें कर रही हैं? मैं बच्चों की दाई हूँ, मैं चोट पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। बस देखो, तुम अभय की वजह से यहाँ आ तो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बच्चों के साथ जैसा मर्जी वैसा बर्ताव कर लो। मेरी नजर तुम पर अब से हमेशा बनी रहेगी। बस ऐसे ही मुझ पर नजर रखती रहो श्रद्धा, और फिर देखो कि मैं क्या क्या करती हूँ ताकि तुम वो सब कर सको जो मैं चाहती। हूँ
वाह जी वाह, सीधा पनीर से सीधा पास्ता, ये प्रमोशन कब हुआ? और सिया का तो फेवरेट है पास्ता। आजकल के बच्चों को तो यही सब पसंद आता है। लो सिया। नहीं, पास्ता मेरा फेवरेट है। मैं दाल चावल खाऊंगी, वो भी मम्मा के हाथ का। अरे वाह सिया, बिटिया तो बहुत सियानी होगी, बिल्कुल सानवी जैसे। वैसे आज मैंने डॉक्टर को बुलाया है बच्चों के चेकअप के लिए। इससे ये पता चल जाएगा कि बच्चे स्वस्थ हैं या कहीं कोई कमी तो नहीं। फिर खाना पीना भी उसी हिसाब से तय कर लेंगे। इससे उनके व्यवहार पे, पढ़ाई पे, हर चीज पे बहुत फर्क पड़ेगा। और फिर मैंने सोचा कि जब डॉक्टर आ ही रहे हैं तो क्यों ना पूरे परिवार का चेकअप एक साथ हो जाए। आखिर घर के बड़े अपना ध्यान रखेंगे, तभी तो बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे। तो वो आएंगे नीचे सैंपल लेने, आप लोग सब प्लीज आइएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने रीमा जी। मम्मी पापा का तो चेकअप हुए भी बहुत टाइम हो गया है। थैंक यू रीमा। अरे इसमें शुक्रिया किस बात का, मैं तो जहाँ भी जाती हूँ उस परिवार को अपना ही समझती हूँ। मुझे यकीन है तुम जानबूझकर पूरे परिवार को नीचे भेजकर ऊपर अकेले कुछ ना कुछ तो करना चाहती हो, पर मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। जाल में तुम फंसोगी श्रद्धा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम नीचे जाओगे ही नहीं। ख्याल रख रही है ना रीमा हम सबका, ना तो हम खुद भी नहीं कर पाते। दूसरी औरत में आपका बच्चा है। ये तो पायल है। अगर हमारे प्लान में जरा सी भी रुकावट आई, उन्हें अपने दोनों बच्चों का चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा। नहीं, तुम यहां नहीं आ सकती। चले जाओ यहां से, यहां से चले जाओ। अभय, वरुण जी, श्रद्धा क्या हुआ? पायल, पायल यार, वो वहाँ है, पर्दे के पीछे। अगर कोई भागेगा तो नीचे से होके भागेगा, पर हम सब तो नीचे ही थे। वरुण जी, तो फिर वो यही गई है, वो यही है वरुण जी। पायल को लेकर श्रद्धा की आंखें धोखा नहीं खा सकती है, एक बार देख लेते हैं हम सब। ठीक है, चलो चलो। वो पायल ही थी। हे भगवान, वो पायल फिर वापस इस घर में आ गई है।
अपनी सिया को कुछ ना कर दे। नहीं, हम अपनी सिया को कुछ नहीं होने देंगे। वो पायल ही थी, मैंने उसे देखा है। श्रद्धा, श्रद्धा शांत हो जाओ, संभालो खुद को। इस बार पायल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे घर की दहलीज पार करने से पहले हम उसे उससे पहले जेल का दरवाजा दिखाएंगे। भाभी, हमने पूरे घर में देख लिया और पायल कहीं भी नहीं है। शायद इन्होंने मुझे देखा होगा। वो दरअसल मैं एक खेल तैयार कर रही थी बच्चों के लिए, जिसमें उन्हें कुछ ढूंढना था। तो मैं वही देख रही थी कि पर्दे के पीछे भी क्या कुछ छुपाया जा सकता है। शायद वही देखकर इन्हें भ्रम हो गया होगा। हाँ, ये हो सकता है। अरे वैसे भी आजकल पायल और उसकी, हमारा मतलब है उस बच्ची के अलावा हम कोई बात ही नहीं करते हैं, तो हकीकत हो या सपना वही दिखेगी ना। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो पायल ही थी मम्मी जी। अबे तू श्रद्धा को लेके अंदर कमरे में जा। आओ श्रद्धा। शाम को हम मंदिर जा रहे हैं आरती के लिए, ताकि वो पायल की मनहूसियत हमारे परिवार से दूर रहे। तुम मुझे मेरी मम्मा के पास लेके जाओगी ना? सानवी बेटा, अगर आपने मेरी बात मानी और सबके सामने अच्छे बच्चे की तरह रहे, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको आपकी मम्मा के पास जरूर लेकर जाऊंगी। अभय, आप तो मेरी बात का विश्वास कर रहे हैं ना? मैंने आज उसे अपने बहुत करीब से देखा है। श्रद्धा, तुम अभी बहुत घबराई हुई हो, तुम शांत हो जाओ। फिर कैसे शांत हो जाओ मैं अभय, जब मुझे पता है कि वो हमारे आस पास ही है? वो क्यों आ गई? कहीं वो फिर से मेरी बच्ची को ले जाने तो नहीं आई है? नहीं नहीं अभय, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। इस बार अगर उसने हमारी बच्ची को छूने की भी कोशिश की ना, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। होश में आओ श्रद्धा। क्या हो गया तुम्हें? हमारी बच्चियों को उससे बचा लीजिए अभय, वो वापस नहीं आ सकती। किस्मत की लकीरों से बच्चियों को उससे बचा लीजिए। किस्मत की लकीरों से तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बच्चियों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सानवी बेटा, हमें ना आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इधर आइए। बेटा, दीदू अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा। पर क्या करें, दीदू ऐसी ही है। अब वो घर वापस आ गई है ना, तो वो सिया की अच्छी मम्मी बनने की कोशिश कर रही है ताकि घर वाले भी खुश रहे। और ये देखिए, आपके बारे में तो वो सोच ही नहीं रही है, इसीलिए देखिए सबके मंदिर जाने के बाद इसीलिए ये किया है आपको सबक सिखाने के लिए। पर आप तो बिल्कुल ऐसी नहीं है ना, आप तो बहुत अच्छी हैं। आप थोड़ी कुछ करेंगी दीदू को सबक सिखाने के लिए। आपको तो चुपचाप यहाँ बैठ के रोते ही रहना पड़ेगा, चाहे दीदू कुछ भी करें। नहीं ताई जी, मैं पायल मम्मा के साथ गलत नहीं होने दूंगी। और मैं श्रद्धा मम्मा को सबक सिखाऊंगी। और इसमें आपकी ताई जी आपकी मदद कर सकती हैं, पर अगर आपने दीदू को बता दिया तो वो हमारे साथ भी यही करेंगी। नहीं ताई जी, मैं नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस।
बस जल्दी से यहाँ सब खत्म कर ले वरना हमें कोई देख ना ले। क्या हो रहा था कीर्ति? मेरी बेटी को तू मेरे खिलाफ भड़का रही है? बोल, जवाब दे, तुझसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। क्यारा, क्यारा जवाब दीजिए, दीदू कुछ पूछ रही है। क्या क्या कर रही थी, ये सब क्या सिखा रही थी आप सानवी को? दीदू, हम तो ये सब निकाल रहे थे। कीर्ति, झूठ क्यों बोल रही हो? आपने तो कहा है ना हमें ये सब लगाने के लिए। क्यारा, झूठ क्यों बोल रही हैं आप? दीदू, ये हम झूठ नहीं बोल रहे, सानवी ने कहा था हमें ये सब लगाने के लिए। बेटा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। लो, अब एक नया तमाशा शुरू हो गया। अरे, इस लड़की की बदतमीजी का कोई अंत है भी या नहीं? सानवी को ये सब करने के लिए कीर्ति ने भड़काया था। तू क्या कर रही है आप? शर्म नहीं आई तुझे कीर्ति? इतनी छोटी सी बच्ची के दिमाग में तू ये जहर घोल रही है। कियारा की परवरिश तो ठीक से कर नहीं पाई तो अब सानवी को भी तो वैसे ही बना देगी। कीर्ति, आपको समझ नहीं आ रहा कि इन सारी बातों का सानवी पे क्या असर पड़ेगा? कीर्ति, अपनी सगी बहन का साथ नहीं दे सकती तो कम से कम उसके खिलाफ भी मत खड़ी रहो। पता नहीं तुम्हें नए नए हर रोज तमाशे करने में क्या ही मजा आता है। अरे बस करिए सब। हम यहाँ चुपचाप खड़े होकर आप लोग की बातें सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हम पे कोई भी इल्जाम लगा देंगे। इल्जाम नहीं है ये कीर्ति, ये सच है क्योंकि ये करते हुए मैंने तुझे देखा है। बस करिए दीदू, आप जो कहती हैं आपके लिए वही सच होता है। आपको लगता है हम सबको भड़काते, पर ऐसा नहीं है, हम नहीं आप भड़काती हैं। और ये आज से नहीं, हमेशा से करती आ रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? खुद तो अच्छी माँ बन नहीं पाई तो आप हमें सुना रही हैं? शर्म तो आपको आनी चाहिए। इस घर में अगर कोई माँ कहलाने के लायक नहीं है तो वो आप हैं। कीर्ति, तूने एक बार भी नहीं सोचा ना कि बच्चों को अगर ऐसे रास्ते पर लेके जाएंगे तो उनका भविष्य कैसा होगा? बस दीदी, यहाँ आपको खुद के अलावा हर किसी में खोट नजर आती है। अरे आपने तो सबको हमारे खिलाफ इतना भड़का दिया है कि सब हमें शक की निगाहों से देखते रहते हैं। हमने ना फैसला कर लिया, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं और साथ में हम अपनी बेटी को भी लेके जा रहे हैं। अब इस घर में ना हम एक पल नहीं रुकेंगे। कीर्ति, आप होश में तो हैं? अपनी गलती मानने की बजाय आप घर छोड़कर जाने की बात कर रही हैं? हम गलत हो ना हो, इस घर में गलती हमारी ही होती है और हर बार हमें फैसला सुनाया जाता है ना, तो आज हमने भी अपना फैसला सुना दिया। कीर्ति, ये क्या तरीका है बात करने का? तो तुम्हें समझ में भी आ रहा है ये सब करके कियारा और भाई पे क्या बीतेगी? तुम अपने हाथों से अपना ही घर तोड़ रही हो। वाह, जिसका खुद का घर टूटा हुआ है वो
हमें ज्ञान दे रहा है कि हम अपना घर कैसे बचाएं। कीर्ति, जुबान संभाल के बात करो। कीर्ति, ये कोई तमीज है बात करने की? कैसी बातें कर रही है भाभी? अभय से पैसे मांगने में इसे शर्म नहीं आती तो उल्टा ताना मारने में क्यों आएगी? और वैसे भी अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए इसकी जबान कैची की तरह चलती है। अगर हमारी जबान कैची की तरह है तो क्या आपकी जबान आर्यन से कम है? घर में पंचायत आप कम करती थी कि रेडियो पे भी जाके घर वालों का तमाशा बना दिया। मैं कीर्ति का घर दोबारा से टूटने नहीं दे सकती। चलो ग्यारह, रुक जाओ कीर्ति। आप क्यों रोक रही हैं? आप तो यही चाहती थी ना कि हमारी इतनी बेइज्जती आप करते कि हम खुद घर छोड़कर चले जाएं। कीर्ति, ये बात तू भी जानती है कि तूने गलती की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू घर छोड़कर चली जाएगी। क्या गलत किया है हमने? हमारी पूरी बात सुने बिना आपने फैसला सुना दिया कि हम गलत हैं और आप सही। नीदू, यही पट्टी आपने सानवी को भी पढ़ा रखी है ना कि आप जो बोले वही सच। मामा, आपने सुबह से कुछ ठीक से खाया नहीं है, ये लो दूध पी लो वरना आप वीक हो जाओगे। थैंक यू बेटा। शाबाश सानवी, अब तो घर वाले भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे श्रद्धा।